आज फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठा। ये है पराठे में डालने वाली सामग्री। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। इसको ऐसे बना लेंगे। इसमें आज मैं ये तवा पे नहीं बनाऊंगी, ये कढ़ाई में बनाऊंगी। ये देखिए, थोड़ी सी ऐसे कर लूंगी। उसके बाद ये हल्के हाथों से इसको बेलूंगी। अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो इसकी आलू बाहर आ जाएगी, इसलिए हल्के हाथों से। मेरी कढ़ाई गर्म है, इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से पक रही है ये। अब मैं इसको पलट दूंगी। तब तक मैं ये दूसरा बनाती हूँ। इसमें मैंने आलू भर ली हूँ, अब मैं ये बेल के बताती हूँ। तब तक वो पक रहा। ये देखिए कितनी आसानी से इसको बेल लेंगे। ये देखिए, और ये अच्छे से सिक रही है। आज मैं तवा में नहीं, कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने बना के देखी, बहुत अच्छी बन रही है। और मैं दूसरी तैयार कर लूंगी ऐसे डाल के। ये देखिए, ऐसे इसको बंद कर लेंगे तो फिर इसमें से आलू के बैटर नहीं निकलेगी। अब ये हो चुकी है, इसको पलट दूंगी। और इसमें घी डाल दूंगी। मैं इसमें घी डाल दूंगी। ज्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए थोड़ा चम्मच से थोड़ी सी डाली हूँ। आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छी सीख रही है इसमें, कितनी अच्छी कलर आई है इसकी। ये खाने में भी इतनी स्वादिष्ट है, दिखने में भी इतनी अच्छी है। ये देखिए ऐसे